बिहार रे शासन परिवर्तन नहीं देश रे राजनीति सरगरम। एनडीए को नीतीश को प्रत्यावर्तन नहीं चर्चा जोर धरी। आज बीजेपी और आरजेडी निजर बैठक करेंगे। से पर आसंता काली जेडीयू नेता बैठक डाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सेपटे राताराति बहु गुरुत्वपूर्ण पदवी में अदल बदल करिछंती नीतीश कुमार। 79 आईपीएस 45 बीएएस को बदली करा जाइछि। नीतीश महागठबंधन छाड़ी पुणी एनडीए को फेरिबा संभावना रही। सोमवार सुधा चित्र स्पष्ट नहीं जातीय गणमाध्यम रे चर्चा होउछि। इंडिया अलायंस रु खप्पा नीतीश पुणी एनडीए मुहा हेबा नहीं एबे चर्चा होउछि। मोदी हवा और इंडिया अलायंस रे भाग न छिंडिबारु विमुख होइछंती नीतीश कुमार। गुरुवार संध्यारे अमित शाहक सह बिहार बीजेपी मुखियांक बैठक एवं आरजेडी जेडीयू मध्यरे दूरता स्पष्ट करुछि। बिहार रे पुणी नुआ सरकार बनिबाकु जाउछि। एपरिकि शुक्रवार राजभवन रे अनुष्ठित हाईटी समारोह को एका पहुंची थी नीतीश। वो तो शुरू से दिख रहा था कि उनके जो गठबंधन है वो गठबंधन राष्ट्र के प्राथमिकता पर नहीं था, और प्राथमिकता बनाने में भी ये कोई रुचि नहीं रखते हैं। अब सत्ता आए, चुनाव जीते, इसको लेकर के यदि कोई करता है तो वो एक तरीके से निजी स्वार्थ हावी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बिठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। अब कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं। और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये सरकार पूरी तरह से काम कर रही है बिहार की भलाई के लिए। इस संपर्क में आलोचना करने आम सहित उपस्थित रहुछंती फोन लाइन रे वरिष्ठ सांबादिक जानकी बड़पंडा। श्रीजुक्त बड़पंडा, आपण को स्वागत अर्गस न्यूज को। एवं जानापी चाहिए आपण कि बिहार रा पॉलिटिक्स वर्तमान देशर राजनीति में चर्चा जगह हठात 79 आईपीएस एवं 45 बीएएस को बदली करिछंती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पुणि थे चर्चा जे कुआडे नीतीश एनडीए को प्रत्यावर्तन करी पारंती, वर्तमान समय आपण किभली भाव में देखती बिहार रा पॉलिटिकल सिनारियो को? हाँ, देखो नीतीश कुमार जड़े हूँ अत्यंत धूर्णीय राजनेता, धूर्ण राजनेता, बिहार राजनीति को भल भाव में बुझे। मन भितर लुचिकी प्रधानमंत्री हाँ आशा टे थे संगे संगे निश्चित भाव में बिहार मुख्यमंत्री जपर्यंत सी है प्रधानमंतरी मुख्यमंत्री भाव रहा गोटे गोपन इच्छा रही आ सब से विभिन्न समय एनडीए बर्तमान आईएनडीए जो कथा गठबंधन ता भितर से खेल खेल ये नुआ खेल नुहे। बड़ कथा हूँ आप क्या कहे से गला का राति किसी वरिष्ठ अधिकारी मानक बदली कर कारण होने जत दुईट अर्थ थे जदि से गोटे बार्ता दवा को चाहिए बीजेपी को जे आम मुझे परिवर्तन मु करूँ मु गोटे आशावाद परिवर्तन करुचे जे मु आगामी काली आम जो गठबंधन करवा एनडीए से आम आसला मात्र के ट्रांसफर कर पकड़े ये एक बार्ता न जाऊ कि आम से गोटे पजिट बार्ता देवाई चाहू से निर्वाचन जेहे आगुक अच्छी तेणुकि साधारण निर्वाचन मु कहूँ राज्यर विधानसभा निर्वाचन जो साधारण निर्वाचन आगुक अच्छी से गोटे करा भी भल थ आवश्यकता द्वितीय कथि है से एका सांगे से अनेक चाल खेलुंच नीतीश कुमार जमी भाव चाल खेलुंच
ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକିରି ସେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଲାକାଲି ଥିଲା January 26 ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ପାର୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନୀତିଶ କୁମାର ଯାଇଥିଲେ ଅଥଚ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଣା ନେତା ନିଜ ଝିଅକୁ ଉସ୍କେଇକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ନୀତିଶ କୁମାର ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି 15-20 ଜଣ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧାବାଦର ରାଜନୀତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲୁଛି। ସୁବିଧାବାଦ ରାଜନୀତି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବି ରହିପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ NDA ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଚଲେଇବେ। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥାଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାରିଖ ଆସିନାହିଁ, ମାନେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।